हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सैरिक एंड आप देख रहे हैं एआरिक प्रोडक्शन। तो आपने थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि ये जो वीडियो है किसके ऊपर है। सो मैं अपने चैनल पर लेके आने वाला हूँ फ्यूजन स्टूडियो 2.0 का एक नया कोर्स, जिसमें हम जानेंगे कि फ्यूजन स्टूडियो क्या है और फ्यूजन स्टूडियो का आप कैसे यूज कर सकते हो और इस पर क्या क्या काम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक कोर्स बना चुका हूँ, कार्ड में ऊपर लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। वो बिल्कुल बेसिक कोर्स था फ्यूजन स्टूडियो का बेसिकली, तो उस कोर्स में जिसको नहीं पता वो उस कोर्स में जाके सीख सकता है बेसिक वगैरह। बाकी इस कोर्स में मैं आपको बेसिक बताऊंगा, थोड़े अलग तरीके से बताऊंगा, अलग तरीके से समझाऊंगा और डिटेल में समझाने की ट्राई करूंगा कि आपको फ्यूजन स्टूडियो जो आपका पूरा अच्छे तरीके से आ जाए। मेक श्योर मैं चाहूंगा कि जितने भी वीडियो इस कोर्स में रहने वाली है वो सारे वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आई होप फ्यूजन स्टूडियो आपको पूरा जो है ऑलमोस्ट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे यह काम करता है। किसी भी सॉफ्टवेयर से काम करने से पहले सबसे पहले उसके बेसिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, यानी कि आपकी फाउंडेशन क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो फ्यूजन स्टूडियो बेसिकली है क्या? तो फ्यूजन स्टूडियो बेसिकली एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो फ्यूजन स्टूडियो में आप जो है विजुअल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी 3D काम कर सकते हैं एंड कोई भी मोशन ग्राफिक अगर आपको करने हैं फ्यूजन के अंदर तो वो आप कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो जिन लोगों ने आफ्टर इफेक्ट वगैरह अगर यूज़ करे हैं वो लेयर बेस है। फ्यूजन स्टूडियो जो है वो एक नोट बेस वर्क फ्लो है इसका। इसमें हम जो भी काम करेंगे वो नोट बेस के थ्रू से करेंगे। शुरू शुरू में हो सकता है थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर मैं इसको बहुत इजी आपके लिए करूंगा जिससे आपको जो है इजी तरीके से समझ में आए। सो आज का वीडियो यह है कि फ्यूजन स्टूडियो है क्या और इस पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सो फ्यूजन स्टूडियो दो तरीके से आपको मिलेगा। एक आपको DaVinci 19 जो है उसके अंदर आपको मिलता है सॉफ्टवेयर के अंदर फ्यूजन स्टूडियो। एक आप अलग से फ्यूजन स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो हम जो बात करेंगे स्टूडियो वर्जन पर सीखेंगे, DaVinci Resolve के अंदर हम सीखेंगे और अलग से यूज़ करना होगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अलग से DaVinci और फ्यूजन स्टूडियो को कनेक्ट कर सकते हो साथ में और आप कैसे दोनों को वर्कफ्लो में ले सकते हो। बाकी आप फ्यूजन स्टूडियो पर काम करो या DaVinci Resolve के अंदर, तो फ्यूजन है किसी भी करो बात आपकी सेम ही है। तो थोड़ा सा जानते हैं कि फ्यूजन स्टूडियो है क्या, तो बिना टाइम वेस्ट करते हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि फ्यूजन स्टूडियो क्या है। तो यहाँ आपको सर्च करना है फ्यूजन स्टूडियो, फ्यूजन स्टूडियो 19। सो 19 तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है जैसे मैंने आपको बताया, आप इसमें विजुअल इफेक्ट 3D एंड मोशन ग्राफिक्स वगैरह पूरा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप DaVinci Resolve डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं, अगर फ्यूजन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या है, फ्यूजन स्टूडियो वर्जन अगर आप लेते हैं तो वो पेड है और अगर नॉर्मल फ्यूजन डाउनलोड करते हैं तो आप उसमें कुछ टूल जो है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ बाउंडेशन होंगी आपकी, बट आप सीखने के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। मैं डाउनलोड कैसे करना है ये सब मैं पहले बता चुका हूँ अपने पुराने कोर्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। सो विजुअल इफेक्ट में हम जानते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये विजुअल इफेक्ट्स आप कर सकते हो। कंपोजिटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया 3D कंपोजिटिंग आप कर सकते हो, पूरा नोट बेस सिस्टम है, तो यही इसमें आपको सीखने को मिलने वाला है। और अगर हम 3D में जाते हैं तो यहाँ पर आप 3D के बारे में आप कोई भी 3D मॉडल वगैरह लाकर इसमें कंपोजिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ब्लेंडर या सिनेमा 4D जैसे सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करते हैं तो उसको कैसे आप FVX सीन की मदद से लाकर इसमें जो है अपनी कंपोजिटिंग कर सकते हैं। बेसिकली कंपोजिटिंग का मतलब है कि आप सारे सीन को मिला के अगर फाइनल आपका कोई एक सीन क्रिएट करेगा जो फिल्म पर चलेगा बेसिकली, उसको हम कहते हैं कंपोजिटिंग। सो कंपोजिटिंग में काफ़ी अच्छा करियर भी है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके की कंपोजिटिंग आप सीखना चाहते हैं तो आप फ्यूजन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है मोशन ग्राफिक, तो यहाँ पर हम जानेंगे मोशन ग्राफिक। तो मोशन ग्राफिक जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें मोशन ग्राफिक में कोई भी 3D टाइटल या 3D लोगो या 3D एनिमेशन अगर आपको कोई भी करना है तो वो सारा आप यहाँ पे कर सकते हो। मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको करनी है आप 2D या 3D दोनों में यूज़ कर पाओगे मोशन ग्राफिक। नेक्स्ट इसमें आता है, इसमें पार्टिकल सिस्टम भी है। बेसिकली हम पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे, जिससे आप स्मोक या वाटर सिमुलेशन करना है तो वो सारा आप कैसे करेंगे, मतलब पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, बेसिकली उनकी मदद से ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा फ्यूजन जो है, और इसमें हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी प्लगइन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली थर्ड पार्टी प्लगइन भी हैं, वो कैसे आप इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप यूज़ करेंगे वो सब भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि कैसे आप जो है यूज़ कर सकते हो थर्ड पार्टी प्लगइन को फ्यूजन के अंदर लाकर। और बेसिकली इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाया है 2D और 3D टाइटल। बेसिकली आप कोई भी 2D या कोई भी 3D काम करोगे तो उसको आप 2D को 3D में कैसे लेके जाओगे, तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे सीखने वाले हैं। और इसमें ट्रैकिंग भी हम सीखेंगे कि आप कैसे अपने सॉफ्टवेयर में ट्रैकिंग कर सकते हो इसके अंदर, 3D ट्रैकिंग और 2D ट्रैकिंग।
तो काफ़ी सारे ट्रैकर्स इसके अंदर हैं। सो हम जो सीखेंगे वो DaVinci Resolve 19 जो है उसमें सीखेंगे, बाकी आप पिछले सॉफ्टवेयर अगर आपका 18 है आप उसमें भी सीख सकते हो, बस कुछ टूल्स हैं जो 19 में होंगे वो शायद आपके 18 में ना मिले अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें तो मेक श्योर ये कोर्स करने से पहले अपने सॉफ्टवेयर को जो अपडेट कर लें, और आपके पास पेड हो या अनपेड है कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली आप सीखने के लिए। तो आप मैं वही चीज़ें ऑलमोस्ट यूज़ करने वाला हूँ जो आपके जो है फ्री वर्जन में हो। सो यही सब जो है हम फ्यूजन स्टूडियो 2.0 के कोर्स में सीखेंगे। सो आज की जो हमारी क्लास थी ये थी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास की, कैसे आप इसमें इंट्रोडक्शन में आपको देना होगा और क्या क्या चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं। और अगली जो क्लास होगी वो क्लास हमारी होगी क्लास 1, जिसमें हम जानेंगे फ्यूजन स्टूडियो के इंटरफेस के बारे में कि ये कैसे काम करता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम सीखेंगे अपनी क्लास 1।